सो गाइस, आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यार गूगल की ओर से जो है एक काफ़ी ज़्यादा बैड अपडेट आ चुकी है, जिसमें यार आपको अपने यूट्यूब इनकम से 24% का टैक्स जो है US वालों को देना पड़ेगा। क्योंकि गाइस, जब भी आपके चैनल पर कोई भी US वाला व्यूवर्स आएगा, आपकी वीडियो देखेगा, तो यहाँ पर आपको जो है US वालों को 24% का टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। सो गाइस, उसी वीडियो में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि आपको आपके एडसेंस में एक फॉर्म मिलेगा जिसे आप फिलअप करके कुछ हद तक जो है टैक्स से छूट पा सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वो फॉर्म फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। सो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। सो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं फन एंटरटेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यार आपको अपना एडसेंस का अकाउंट जो है ओपन कर लेना है। एडसेंस का अकाउंट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा मैनेज टैक्स इन्फो, यहाँ पर देखिए इसी ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपके सामने एक फॉर्म जो है ओपन होके आ जाएगा। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म सा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है ऐड टैक्स इन्फो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ दे दीजिए। आईडी पासवर्ड देने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब गाइस, यहाँ पर आपके सामने जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है इंडिविजुअल जो है सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगर आपका कोई कंपनी वगैरह है तो यहाँ पर आप नीचे वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मेरी कोई भी कंपनी नहीं है, मैं खुद ही इस चैनल का मालिक हूँ, तो यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के रहने वाले हो। सो गाइज, हम तो इंडिया के हैं इसलिए हम यहाँ पर नो करेंगे और यहाँ पर हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब गाइज, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पर को कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। अब गाइज, यहाँ पर आपको स्टार्ट WBEN फॉर्म का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस पे टिक करेंगे। अब गाइज, यहाँ पर आपको W8BEN फॉर्म जो है शो हो जाएगा आपके सामने, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो नाम एडसेंस में आपने दिया होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको कंट्री का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पर आपकी कंट्री जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। अब गाइज, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब गाइज, यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं फॉरेन टीन ये क्या होता है, लेकिन गाइज फॉरेन टीन का मतलब है गाइज, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर जो है टाइप कर देना होगा। तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अब गाइज, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो है एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना एड्रेस जो है सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे गाइस, जो भी आपने एडसेंस बनाते वक्त एड्रेस वहां पर दिया था वही एड्रेस यहां पर आपको टाइप करना होगा। सो गाइस, हम यहां पर अपना एड्रेस जो है टाइप कर देते हैं, आप भी कर दीजिए। अब गाइस, एड्रेस टाइप करने के बाद गाइस, यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि पोस्टल एड्रेस आपने जो भी आपने ऊपर जो एड्रेस दिया है और पोस्टल एड्रेस वो सब कुछ सेम है क्या। तो हम यहाँ पर हमारा सेम है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल चुके हैं नो और येस करने के, तो यहाँ पर आपको जो है नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाता है येस का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पर एक खाली बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ पर अभी आपको टिक कर देना है। अब गाइज, यहाँ पर आपको फिर से अपनी कंट्री जो है सेलेक्ट कर लेनी है, तो हम यहाँ पर इंडिया फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गाइज, यहाँ पर आपको नीचे की ओर आ जाना है। अब यहाँ पर आपसे सर्विस जो है पूछी जा रही है, तो यहाँ पर हम ऊपर वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे और यहाँ पर आर्टिकल्स का एक ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज, आर्टिकल 7 का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसे चूज़ करेंगे और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इसी के राइट में, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर आपको 0% रिड्यूसेट का ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद गाइज, आपको नीचे की ओर आ जाना है।
अब गाइज नीचे आने के बाद गाइज यहाँ पर हम टिक करेंगे, एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टिक करके, और यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस पर भी आपको टिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर आपको आर्टिकल के ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है और आर्टिकल 12 पर हम क्लिक करेंगे। और गाइस यहाँ पर फिर से आपको राइट वाले ऑप्शन पे टिक करना है और यहाँ पर 15% वाला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और गाइस यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे। अब नीचे की ओर आने के बाद गाइस फिर से हमें यहाँ पर टिक करना है और गाइस यहाँ पर अदर कॉपीराइट के ऑप्शन पे भी टिक कर देना है। अब गाइस फिर से आर्टिकल के ऑप्शन पे टिक करना है और यहाँ पर आपको फिर से आर्टिकल 12 सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें रेड्यूस रेट जो है फिर से 15% पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर से यहाँ पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका फॉर्म जो है पूरी तरह बन के तैयार है। यहाँ पर आपको सिर्फ इस वाले ऑप्शन पे जो है टिक कर देना है और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे टिक करेंगे। तो अब गाइस यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है फुल लीगल नेम, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा डॉक्यूमेंट्स पे नाम है उत्तम हालदार, मैंने यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लिया है। अब गाइस यहाँ पर आपको नीचे की ओर आ जाना है। अब गाइस यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ चुका है, ये ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए एक्टिविटीज़ एंड सर्विस परफॉर्मेड इन द US, तो हम यहाँ पर नो पे टिक करेंगे और यहाँ पर एक खाली बॉक्स आएगा, यहाँ पर भी हमें नो पे टिक कर देना है। अब गाइज यहाँ पर आपको थोड़ा समझने वाली बात है, गाइज अगर आपका पेमेंट एक भी बार नहीं आया है, न्यू पेमेंट है, आपने अभी भी एक भी पेमेंट नहीं लिया है गूगल एडसेंस से, तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले पे टिक करना है। लेकिन अगर आपका एक भी बार पेमेंट आ चुका है या फिर बहुत बार आ चुका है तो यहाँ पर आपको जो है नीचे वाले पे टिक करना है। तो मेरा पेमेंट आ चुका है एक बार, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे वाले पे टिक करूँगा। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको जो है खाली बॉक्स सा दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको टिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर चेंजेस का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो हम यहाँ पर सबमिट पर टिक कर देते हैं। अब गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ चुका है, आप देख ही सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन जो है क्लेम हो चुका है 15% पे और नीचे वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 15% पे क्लेम हो चुका है और ये 0% पे क्लेम हो चुका है, यानी कि हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको डायरेक्टली बैक चले जाना है, क्योंकि गाइस हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका है। अब अगर कोई व्यूवर्स हमारे चैनल पर US से आता है, US से हमारे चैनल पर ट्रैफिक आता है, तो गाइस हमारा सिर्फ 15% ही टैक्स कटेगा, अब 24% टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 5 बजे बेल आइकन से प्रेस कर दें। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर हो तो यार एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बावजूद यार व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, तो यार आप अपने भाई के लिए इतना कर दीजिए। सो गाइस आपको यहाँ पर 2 वीडियोस दिख रही होंगी, तो यार आप इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर दीजिए और आप इन्जॉय कीजिए। यार मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए।